हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक और एकदम मज़ेदार सी रेसिपी, जो घर की चीज़ों से बिना झंझट फटाफट से बन करके तैयार हो जाएगी। आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से बना करके तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगी आधा ग्लास पानी, आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद से इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके बाद से इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जीरा और उसके बाद से थोड़ा सा डाल देंगे आमचूर पाउडर। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और उसके बाद से डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर। आप चाहें तो इसमें अपने मन पसंदीदा और भी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे। उसके बाद से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से अब मैं इसमें डाल रही हूँ कच्चा आलू घिसा हुआ। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज के आलू को अच्छे तरीके से घिस लिया है। उसके बाद से इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से अब इसमें डालेंगे एक कप के करीब गेहूं का आटा और आधा कप के करीब सूजी। सूजी से नाश्ता क्रिस्पी भी बनेगा और गेहूं का आटा तो सबके घर में मिल ही जाता है। उसके बाद से इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग 5 से 6 मिनट के लिए इसे ढक करके साइड में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। अभी गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद से यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, यानी कि सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अभी हम लोग इसे कढ़ाई में डाल देंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से पकाएंगे। यहाँ पे हमें इसे लगातार चलाना है क्योंकि अगर एक बार ये नीचे से लग जाएगा ना तो इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो इसे लगातार मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा और एक डो के फॉर्म में आने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही देर में ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बस इसे लगातार चलाते रहेंगे, पक भी जाएगा और ये अपने आप कढ़ाई को छोड़ भी देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही देर में ये कढ़ाई को छोड़ चुका है और ये एक डो के फॉर्म में आ चुका है। अभी हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक एक प्लेट में हम लोग अच्छी तरीके से तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद से जब वो ठंडा हो जाए तो इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, बस इतना कि हमारा हाथ इसे सहन कर सके। और बस उसके बाद से अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा करके अभी हम लोग इसे अच्छी तरीके से चिकना करते हुए एक स्क्वायर शेप में बना करके तैयार कर लेंगे। जैसा आपको वीडियो में दिखा रहे सेम प्रोसेस आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद से इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद से ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अभी हम लोग इसे चक्कू की हेल्प से अपने मन चाहे शेप में कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, ये देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और उसके बाद से हम लोग इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे पैन में तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा बस इसमें डालेंगे और दोनों साइड से इसे अच्छी तरीके से हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बस इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक साइड से ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, अब बस उलटते पलटते हुए दोनों साइड से एकदम सुनहरा कलर का क्रिस्पी करारी इसे फ्राई कर लेंगे। इसे यहाँ पे मैंने इसे दोनों साइड से अच्छी तरीके से क्रिस्पी करारी फ्राई कर लिए है। बहुत ही प्यारा कलर और टेक्सचर आ चुका है। अब बस इसे गर्मा गर्म तेल से निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर कोई चटनी के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो फ्रेंड्स, इंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।